अपना डरो ना तलवार तो जब जाए लर जिससे करी अपनी जीत करो। आभार लेके आए सर अज दे बुजुर्ग बापू नो कहो बापू की हुक्मा अज दा बापू कहिंदा पुत जा तो मैं मर जा मेरी मड़ी ते शराब दी बोतल रख दे शराब दी बोतल। तुहाडा बापू की कह रहा हो बाजा वाला की कह रहा है दख शिवा पर है शुभ कर मन ते कबूल करो अरसो जब चाहे लर जिस चे करी अपनी जीत करा। और सिखी हो अपने ही मन को ए लाल चो गुण और उचरो जब आप की हो संतान बने आखिया दया से जंग दा मैदान च जान दी तैयारी हो रही है। भाई दया सिंह ने पंजा प्यारियां नू नाल लेके गल विच पल्लू पा के बेनती की आख्या बाजा वालिया कलगियां वाला अपनी मर्जी ना जंग दे मैदान च नहीं जा सकता। एक दिन आपने ही कहा सी ना अमर छकाउण समय सानू खालसा पंथ का खिताब दिंदे आपने ही कहा सी ना अज तू जो तुसी पंजे करिया करोगे मैनु मंजूर होवेगा। गरीब नवाज गोबिंद सिंह अपनी मर्जी ने जंग दे मैदान च नहीं जा सकता हुक्म पंथ ने करना गोबिंद सिंह ने हुक्म मानना। जब अब की ओतन कान बने अत की बल मैं तब जूझ मरा। कलगियां वाले अज खालसा पंथ इस गल की डिमांड करता मंग करता है चमकौर की गढ़ी नूं छड के चले जाओ असी शहीद हो गए कोई फर्क नहीं पैना तुसी साढ़े वर्गा लखां सिंह तैयार पर तैयार कर लोगे पर कलगियां वाले लखा मिलके गुरु गोबिंद सिंह तैयार नहीं कर सकेंगे। लखा मिलके एक गुरु गोबिंद सिंह तैयार नहीं कर सकेंगे। अब खालसा पंथ इस गल की डिमांड करता है चमकौर की गढ़ी नूं छड के चले जाओ इत्थे पातशाह जंग दे मैदान च जूझना चाहुंदा सन पर अपने हाथी साजे खालसा पंथ दा हुक्म ही तो नहीं सी मोर सकता। इतिहास दसदा भाई संगत सिंह का चेहरा मोहरा रूप रंग कद काठ कलगीधर पातशाह जी के चेहरे मोहरे ना मिलता जुलदा सी। अज तख्तां ताजां दे मालक ने अज फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने जंगी शस्त्र वस्त्र उतार के भाई संगत सिंह होरां दे पना दित्ते अपने पवित्र सीस तो कलगी उतार के भाई संगत सिंह होरां दे सीस ते टिकाती। पातशाह भाई संगत सिंह होरां दी परिक्रमा करी जांदे ने नाले खुश हो ही जांदे ने। भाई दया सिंह होर आख्या महाराज बड़े खुश नजर आ रहा है। नाले भाई संगत सिंह होर दी परिक्रमा करी जाते नाले बड़े खुश हो रहे खुश नजर आ रहा आख्या दया सिंह मैं खुश ना वा जिमें कोई मां बाप जिमें कोई मां माफ करना जिमें कोई मां अपने नन्हे मुन्ने बच्चे का इशनान कराउंदी खूबसूरत कपड़े सजाउंदी उहदे शरीर ते हार शिंगार करदी फिर मां अपने बच्चे वल वेख के खुश होंदी दया सिंह मैं खुश ना वा मैं अज की वेख रहा अकाल पुरख ने कहो जी सुभागी सुभागी घड़ी लै आंदी आख्या मैं खुश ना वा तो और की करा। वो दया सिंह अज गोबिंद सिंह च तो गोबिंद सिंह दे सिख च कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा।
मेरा की रूप है खालसा प्यारा मेरा मेरा की रूप है खालसा प्यारा मेरा भाई संघ संघ और दसी कलगी सजाई भाई संघ संघ का संत संघ हुक्म किया जदों से चमकौर की कड़ी ताड़ी मार के निकलांगे छड़ांगे तुसी तोपां दा फैर खोल देना भाई दया सिंह धर्म सिंह ते मान सिंह रानू आखिया तुसी निश्चिंत हो के चमकौर की कड़ी चू बाहर निकल जाना तुसी तो तुरकां नू वेख सकोगे पर तुसी तुरकां नू नजर नहीं आवोगे खालसा जी रात दे 12 बजे ने मारी ताड़ी ताड़ी मार के गुरु जी आखदे खालसा दा गुरु ताड़ी मार के गुरु जी आखदे खालसे दा गुरु चलिया ताड़ी मार के गुरु जी आखदे खाल पे मैं गुरु चली चमकौर की कड़ी छड़न तो पहला तख्त ताजा के मालक ने फौजा के जरनैल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने चरणों के चरणों का जोड़ा कढ़िया भाई साहब भाई दया सिंह और दोवें हाथ जोड़ के बेनती की कलगियां वाली है जंगलों बिया बाना उजाड़ा के राह ने गरीब नवाज